प्रिय श्रोताओ, सादर नमस्कार। जय माँ कालका। तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें चले मेरी श्री हरि जुबां पे नाम तुम्हारा हो। कार्तिक मास, खास कार्तिक मास, ऐसा कहा जाता है जैसे थोड़े से बीज बोने पर आपको न जाने कितनी फसल काटने का मौका मिल जाता है, वैसे ही पुण्य के थोड़े से बीज बोने से अनेक सुख प्राप्त होते हैं। जब कल्याण के मार्ग पर आप जो कुछ लगाते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास आता है। ऐसा ही पुण्य देने वाला कार्तिक का महीना है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण मनुष्य नीचे नहीं गिरता। इस महीने में सभी देवता मनुष्य के बहुत समीप होते हैं, इसलिए इस महीने में किया हुआ स्नान दान भोजन व्रत सभी तरह के जो दान हैं उन्हें देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक में दान करता है उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। अन्न दान का बहुत महत्व है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में जो मनुष्य असमर्थ हो उसे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को जो मनुष्य पढ़ता है वे अनंत पुण्य का भागीदार होता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में जागरण कीर्तन करना चाहिए, स्वयं भी दीपदान करना चाहिए और दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करनी चाहिए। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए, इससे भगवान का सानिध्य और मोक्षप्रद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में यानी कि सुबह के समय जागरण करके गंगा में स्नान अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्यों को करोड़ों जन्मों के पापों को धोने का सुअवसर मिलता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद दामोदर माधवीती। इस प्रकार से सभी लोगों को कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन और गायन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का करने पर पुण्य मिलता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाव भवेत्। प्रिय श्रोताओ, कार्तिक मास की आपको शुभकामनाएं। यदि आपको कार्तिक मास की यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।